ये होता है कि दवा जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी, जो आज उतना दिखता है लेकिन अभी तक आया। लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने बीते महीने में वजीरगंज में व्यापारी के साथ हुई 3.5 लाख की लूट की घटना के इनामी लुटेरे को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा है। वहीं पुलिस की मुठभेड़ में 35,000 का इनामी लुटेरा राजीव श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हो गया है। कंट्रोल रूम से ये सूचना प्राप्त हुई कि क्राइम ब्रांच और वजीरगंज SHO की टीम के साथ कुछ अपराधियों ने इनके ऊपर फायर किया है। इनका पीछा करके जब इन्हें घेरा गया, इन्होंने मल्टीपल राउंड्स टीम पर फायर किया, पुलिस टीम पर। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी गोली लगने से घायल हुआ और एक अपराधी फायर करता हुआ अंधेरे का और दुर्गम स्थान का लाभ उठाकर भाग गया। घायल अभियुक्त से जब नाम पता पूछा गया, उसने अपना नाम राजीव श्रीवास्तव, हाल पता मड़ियाँव, मूल रूप से इलाहाबाद का रहने वाला बताया। कानपुर पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल कुछ दिन पहले एक शिक्षा विभाग में फ्रॉड करने का मामला सामने आया था, जिसका पर्दाफाश करने के लिए सर्विलांस टीम और SOG टीम का गठन किया गया था। काफी छानबीन के बाद सर्विलांस टीम और SOG टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल हुई है। जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस स्टेशन कर्नलगंज को दिया कि कुछ जो है फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर, टोटल उसमें संख्या 9 खोली गई, जिनकी नियुक्ति पत्र दे करके विभिन्न कॉलेजों में ज्वाइन कराने के संबंध में ईमेल भेजा गया था। 2 उसमें से शिक्षकगण ज्वाइन कर लिए थे, उनका सत्यापन किया गया था जो फर्जी निकले हैं। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में पुलिस स्टेशन कर्नलगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा इसमें एक SIT का गठन किया गया। ये SIT ACP कर्नलगंज श्री महेश के नेतृत्व में, जिसमें SHO कर्नलगंज, SO ग्वालटोली, सर्विलांस टीम और क्राइम ब्रांच को इसमें लगाया गया। पूरी टीम ने इसमें साक्ष्य संकलित करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मऊ जिले में एक युवक ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि बड़ा भाई छोटे भाई को पढ़ाई करने के लिए डांटता था, जिससे परेशान होकर छोटे भाई ने बड़े भाई को सोते समय हथौड़े से हमला कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। हमला करने के बाद छोटा भाई घटनास्थल से तुरंत फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। संदीप तो स्वर्गीय लाल बहादुर सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था, थाना पवाना जनपद जौनपुर में नियुक्त था, आज अवकाश लेकर वो अपने घर आया था। इसका छोटा भाई दिलीप, जो कि जिसको कि पढ़ाई के लिए उसने डांटा फटकार कि पढ़ाई करो और एक थप्पड़ मार दिया था, तो उसके बाद खाना खाकर ये संदीप सो गया। दिलीप को पता नहीं क्या हुआ, वो अपना जब सो गया उसके बाद वो हथौड़े से उसके सर पर वार किया, जिसको परिजन लोग घायल अवस्था में अस्पताल ले गए, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। सर आरोपी फरार है या गिरफ्तार है? हाँ नहीं, आरोपी फरार है। मृतक की माँ की तहरीर पर मुकदमा कायम किया जा रहा है और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर में एक तालाब में 2 बच्चों का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बीते दिन खेलने के बहाने बच्चे घर के बाहर गए थे, लेकिन आज उनका शव तालाब में तैरता हुआ मिला, जिससे गांव में शोक का माहौल बन गया है। फिलहाल ग्रामीण की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मासूमों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। उसके बाद मैंने लगा गाँव गाँव हेरने में, चौकी पर आया है तब चौकी पर FIR लिखा, फिर वहाँ से गए पटना।
मेरा थाना है। कहाँ मिले बच्चे फिर? बच्चा साहब कहीं नहीं मिले। अच्छा, तब सुबह में 6 बजे बच्चा पोखरा के वो पार में आधा किलोमीटर दूरी पे लड़का फेंके थे, बच्चा दोनों एक तरह थे साहब। अच्छा, एक जने की मुड़ी इधर का था, एक जने की मुड़ी इधर का था साहब। बच्चे लाओ, क्या आशंका है आप लोग को? हाँ, मेरी शंका ये है साहब कि हमारा लड़का खून फेंक फेंक मरा है, मतलब कोई फेंक दिया है। हाँ, कोई मार के फेंका है साहब। कब से लापता थे बच्चे? 6 बजे सवेरे साहब। आज सुबह से? नहीं, कल सुबह से। कल सुबह से गायब थे? आपने दिन भर ढूंढा? दिन भर रात में ढूंढा साहब। मिर्जापुर में मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर थाने की बड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अदलहाट पुलिस ने हीरोइन और अहरौरा पुलिस ने इन नशीले पदार्थों को पकड़ा है। आपको बता दें कि पकड़े गए इन मादक पदार्थों में 2.5 करोड़ की हीरोइन के साथ 22 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मिर्जापुर पुलिस लगातार गांजा के और हेरोइन के तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करती आ रही है। उसी क्रम में आज अदलहाट पुलिस SOG टीम और सर्वांश टीम द्वारा एक बड़ी खेप हेरोइन की पकड़ी गई है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों तस्कर हेरोइन लेकर के मोहनिया हंगुआ से चले थे और ये वाराणसी इनको सप्लाई करना था। रास्ते में मुगली सूचना पकड़ा गया है इनको। इनके कब्जे से 250 ग्राम कुल 500 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट करीब 2.5 करोड़ है। ये दोनों तस्कर हैं मोहम्मद सराफत और मोहम्मद साबिर कलंदर। ये दोनों ही भगुआ बिहार के रहने वाले हैं और ये लंबे समय से इस व्यापार में ये सक्रिय हैं और एक इनको आज गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीकृत करते हुए विधायक कार्रवाई की जा रही है। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र बिजौली में एक नव युवक की मौत से